तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अल्ट्रा थिन, मतलब ये इतनी पतली है कि इसे लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, और इसका स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डेवलप नहीं हुए थे, तब तक साइंटिस्ट अपने तरीके से इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने लगे। इस वीडियो में हमें डैवसन और डैनियली ने जो सैंडविच मॉडल प्रपोज किया था, जिसे ये आप लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मॉडल कहते हो या फिर लैमेलर मॉडल कहते हो, वो स्टडी करना है। इस मॉडल को शुरू करने से पहले हम दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पर बात करेंगे, जो प्रूव करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनाशियस इन नेचर, मतलब इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। फर्स्ट इज गॉल्टर एंड ग्रेंडल्स फाइंडिंग। इनके हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट हैव बाय मॉलिकुलर लिपिड लेयर, और दूसरी है डैनियली एंड हार्वेज स्टडी, जो कि उन्होंने सरफेस टेंशन पर की थी सेल के, और प्रूव किया था कि इस मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन दो फाइंडिंग से यह प्रूव होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनाशियस इन नेचर। फिर डैवसन और डैनियली ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया, सैंडविच मॉडल, टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनके हिसाब से लिपिड बायलेयर के दोनों तरफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कवरिंग होती है। लिपिड बायलेयर में जो लिपिड है वो मेनली फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होते हैं, और इस फॉस्फोलिपिड में जो ग्लिसरॉल है उसके पहले दो ओएच ग्रुप के साथ दो फैटी एसिड इस्टर बॉन्ड बनाते हैं, और ये दोनों फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन इस फॉस्फोलिपिड के दो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल कहलाती है। वही तीसरे ओएच ग्रुप पर फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है वो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। तो लिपिड बायलेयर में ये लिपिड्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उनके पोलर हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ होते हैं और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होती है। सो दिस इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द एक्वियस एनवायरमेंट। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। होली के त्यौहार में जब हम कलर और पानी से खेलते हैं, तो जिन लोगों को कलर या पानी से डर लगता है, मतलब उन्हें फोबिया है, तो वे घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ है, और जिन लोगों को कलर या पानी खेलना पसंद है, दोज हु लव इट, वो घर के बाहर रहते हैं। जैसे कि ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, तो ये हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। सो लिपिड कंपोनेंट्स मेनली कंसिस्ट्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स विच आर एम्फीपैथिक इन नेचर, और फॉस्फोलिपिड की ये जो बायलेयर है ये इस तरह से अरेंज्ड है कि टेल्स अंदर की तरफ होती है और हाइड्रोकार्बन टेल फेसेस ईच अदर। बोथ लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। इस लिपिड बायलेयर के दोनों तरफ अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन या फिर स्फेरिकल प्रोटीन की लेयर अरेंज्ड होती है। तो यहां क्या दिख रहा है, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ द लिपिड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द प्रोटीन एंड द हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, दे वर थॉट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो इस तरह से डैवसन और डेनियली ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से हो सकती है, और इसके अलावा इन्होंने इस मेम्ब्रेन की थिकनेस भी बताई। इन्होंने ये इस तरह से पता लगाया कि जिस स्पीड से अलग अलग मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, उस आधार पर इन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि जो लिपिड बायलेयर है वो करीब 6 नैनोमीटर थिक होगी, और ये हर प्रोटीन लेयर जो है वो करीब 1 नैनोमीटर थिक होगी।
तो 1 + 6 + 1 मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस करीब 8 नैनोमीटर हो सकती है, ऐसा डैवसन और डेनियली ने अंदाजा लगाया था। तो डैवसन और डेनियली के इस मॉडल के कुछ पॉइंट्स को बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग से भी सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोड दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू डार्क लेयर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रैन्युलर प्रोटीन लेयर्स है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ लाइटर एरिया इन बिटवीन। ये जो सेंट्रल लाइटर एरिया है वो लिपिड बायलेयर है। और तो और उन स्टडीज में जो टोटल थिकनेस पता चली थी उस मेम्ब्रेन की वो करीब 7.5 नैनोमीटर थी, और इन्होंने डैबसन और डैनियल ने बताया था कि करीब 8 नैनोमीटर होगी इस मेम्ब्रेन की थिकनेस, तो ये भी मैच कर गया। भले ही इस मॉडल के कुछ पॉइंट्स को मान्यता दी गई पर ये मॉडल पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सभी प्रॉपर्टीज को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो अब हम जानेंगे कि इस मॉडल के क्या लिमिटेशंस है या फिर क्या ड्रॉबैक्स है या कौन सी चीज़ें ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो पहला है, डैवसन और डेनियली के हिसाब से फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस दे पास इजीली थ्रू दिस मॉडल, पर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के बारे में वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा, इस मॉडल में प्रोटीन मूवमेंट या फिर फॉस्फोलिपिड मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और अगर प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट नहीं होती है तो इस पूरे मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। मतलब इस रीजन में जितना प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो है उतना ही रेशियो किसी और रीजन में मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो हमने कहा था प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो रेशियो होता है वो वेरिएबल होता है, तो इस पॉइंट को भी यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दोनों भी जो ड्रॉबैक्स थे इनकी वजह से इस मॉडल को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगले वीडियो में हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल स्टडी करेंगे।